Cheers. एक तरफ गाजा पर बमबारी हो रही है, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दौरे ने इसराइल को खौफ से भर दिया है। एक तरफ इसराइल पर बम गिर रहा है, दूसरी तरफ ईरान से आई इन तस्वीरों ने नेतन्याहू की सेना का दिल बैठा दिया है। एक तरफ गाजा से उठता धूल और बारूदी धमाके का धुआं है, दूसरी तरफ तेहरान का हाई प्रोफाइल अड्डा है जिस पर इसराइल से लेकर अमेरिका तक सबकी नजरें हैं। इस अड्डे में क्या है, उससे पहले गुस्से से उबलता हुआ पश्चिम एशिया देख लीजिए। यह ईरान की राजधानी तेहरान है, इसराइल का झंडा जलाया जा रहा है, गाजा में बमबारी, करीब 13,000 लोगों की मौत और इनमें 5,000 बच्चों की लाशों को देखकर पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर पब्लिक का दबाव बहुत ज्यादा है, तेहरान में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को उस अड्डे पर जाना पड़ा जहां ईरान के सबसे खतरनाक हथियार रखे गए हैं। यहीं से निकली ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सामने है ईरान का सबसे खतरनाक ड्रोन जिसका नाम है गाजा। इस ड्रोन को ईरान का सबसे पावरफुल लीडर क्यों देख रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। ईरान ने गाजा नाम का जो ड्रोन बनाया है ये 2000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट कर सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खास बात की ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ईरान ने इस ड्रोन का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। 2021 में इस ड्रोन को लॉन्च करने के बाद अब इसराइल की बमबारी के बीच गाजा ड्रोन को दुनिया के सामने एक बार फिर लाना ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा संदेश है, खासकर जब इसके साथ खामनेई की फोटो पूरी दुनिया में वायरल की जा रही है। लेकिन खामनेई के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका और इसराइल से ज्यादा अरब वर्ल्ड के वो देश हैं जो इस वक्त गाजा पर बमबारी को देखकर खामोश बैठे हुए हैं। मुसलमान توی مجامع و توی ازارات و اینها محکوم میکنن گاهی، حالا بعضی محکوم هم نمیکنن، بمباران ها رو اینها رو بعضی محکوم میکنن، این کافی نیست، بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنن، بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی بشه، روابط سیاسیشون رو لااقل برای مدت محدود. जाहिर है ईरान की शिकायत इस वक्त सऊदी अरब से है और साथ में उन सभी इस्लामिक देशों से जो रियाद में इकट्ठा होकर भी इसराइल को घेरने में नाकाम रहे। तब से अब तक गाजा में कई और हजार लोगों की मौत हो चुकी है। खामनेई ने जो कहा उसे आम भाषा में टोपी ट्रांसफर कहा जाता है। वैसे सच ये भी है कि इसराइल की सेना लगातार गाजा में ऑपरेशन कर रही है, उसे रोकने के लिए इस्लामिक देशों की बैठक का नतीजा सिफर यानी जीरो निकला है। इस बीच इसराइल और अमेरिका को बड़ी चुनौती 4H से मिल रही है। ये चारों H इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। एच से हमास,
एच से हिजबुल्ला यानी लेबनन का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हजद अल शाबी, एच से हूती यानी यमन का विद्रोही गुट। इस वक्त लेबनन और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। ये इजराइल के कब्जे वाले इलाके में उसकी सेना के अड्डे की हालत है। यहाँ पर हिजबुल्ला ने अपनी बुरकान मिसाइल से हमला किया। रिपोर्ट है कि हिजबुल्ला ने इजराइल के ठिकानों पर 4 बुरकान मिसाइलें दागी और उसके बाद यहाँ की हालत देखी। हिजबुल्ला ने अपनी सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्ला ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इजराइल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इजराइल के कई शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्ला और हूती दोनों ने अपने हथियार गोदाम खोल दिए हैं। यमन अब इजराइल के समुद्री जहाजों को भी टारगेट कर रहा है, लेकिन ऐसे हमलों और गाजा पर बमबारी जारी रखने के बीच नेतन्याहू ने अपना वॉर ट्रायंगल तैयार कर लिया है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनन में हिजबुल्ला का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे खतरनाक कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हजद अल शाबी इसराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि सीरिया पर इसराइल के एयरफोर्स ने हमले तेज कर दिए हैं। ये तीनों जगह इसराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इसराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा है वो दो कैंपों के बीच चल रहा है। एक तरफ है इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ है ईरान और उसके साथ ही मिलिशिया। जहां दर बराबर अमरीका मुत्तहिद है, नफरत अज अमरीका सरासर अफकार उमूमी आलम र फरा गिरफ्ते है। अमरीका इमरोज बीश अज हर जमान दीगरी दर जहान मुनज़वी है। इन एक शिकस्त सियासी برای امریکا। इजराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजराइल अब पीछे हटेगा। उसके रास्ते में जो आएगा इजराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, यमन हो या फिर ईरान। इजराइल का इरादा पक्का है, जो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में इजराइल को लेकर इस वक्त बहुत गुस्सा है। ईरान के जनरल अब तक इजराइल की बमबारी को लेकर बहुत आक्रामक भाषण देते आए हैं, लेकिन इजराइल को डरा नहीं पाए। नर्म अमरीका व इंग्लिस व आलमान व फ्रांसे मुशख्खसन व बाजी दौलत है मुनाफिक दर किनार आनान इन्हा एक शिकस्त अखलाकी अजीम रा दर जहान تجربه کردن، اما آنها باید بدانند هیچ یک از این اقدامات مانعی نیست، عاملی نیست برای نجات صهیونیست ها। खामनेई ने जिस जगह का दौरा किया वो ईरान के खतरनाक हथियारों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। ईरान ने इस दौरान अपनी फतह 2 मिसाइल भी दिखाई, जो ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, और इसे रोक पाना किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा। ईरान के हथियारों के अड्डे में सबसे बड़ा नाम एक ड्रोन का भी है। यहाँ पर ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन का नया अवतार भी दिखाया। ये है शाहिद 238, यानी उस ड्रोन से कई गुना खतरनाक जो यूक्रेन की फौज पर कहर बरसा चुका है। ईरान ने शाहिद 231 ड्रोन के 3 वेरिएंट बनाए हैं। ये तीनों अब पिस्टन इंजन के बजाय जेट इंजन से चलते हैं, यानी रफ्तार ज्यादा और टारगेट पर तेज हमला, जिसको रोक पाना आसान नहीं होगा। ये तीनों वेरिएंट शाहिद 136 ड्रोन से ना सिर्फ इंजन और रफ्तार के मामले में बेहतर है, बल्कि ये अपने टारगेट को और बेहतर तरीके से तलाश कर मारेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। सवाल है कि गाजा ड्रोन या फिर शाहिद 238 ड्रोन दिखाकर ईरान क्या हासिल करना चाहता है। वो ऐसे हथियार हमेशा दिखाता आया है, इससे भी खतरनाक मिसाइल उसके पास है। बहुत से हथियार उसने लेबनन में हिजबुल्ला और यमन में हूथी फोर्स को भी दिए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान खुद इसराइल से डायरेक्ट युद्ध करने के लिए तैयार होगा। रेस जमूर अमरीका, सदर आजम आलमान, रेस जमूर فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینا دارن از یه چنین موجودی، از یه چنین هویتی
دارن دفاع میکنن و بهش کمک دارن میکنن. این معناش چیه؟ معناش این است که مسئله تبعیض نژادی که امروز یکی از مسائل مهم دنیاست. خامنه‌ای کو وہ ڈرون بھی دکھایا گیا جو بم بن کر کسی ٹینک یا بختر بند گاڑی پر ٹوٹتا ہے. یہ ایک طرح سے چھوٹی اور اڑنے والی اینٹی ٹینک میسائل ہے جسے ایران نے خاص طور پر یوکرین یدھ کے بعد تیار کیا ہے. لیکن ٹینک کی موت کیسے ہوتی ہے اسے دیکھنے کے لیے غازہ چلیے, کیونکہ اصلی یدھ غازہ میں ہی چل رہا ہے. غازہ سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ اسرائیل کو پریشان کرنے والی ہیں. حماس کے اس ویڈیو نے تیل اویو سے لے کر واشنگٹن ڈی سی تک ہڑکمپ مچا دیا ہے. دو منٹ کے ویڈیو نے اسرائیل کو چوکننا کر دیا ہے. اس کے ہر ایک سیکنڈ میں اتنی آگ ہے کہ غازہ کے یدھ کا سب سے خطرناک چہرہ سامنے آ گیا ہے. اسرائیل میں مانا جا رہا ہے کہ اگر حماس کے اس خطرے سے نہیں نپٹا تو غازہ میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہت سے حملے ہیں, بہت سے دھماکے ہیں. اسرائیل کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو حماس چن چن کر مار رہا ہے. دو منٹ کے انگاروں سے بھرے اس ویڈیو میں اتنا بارود ہے کہ اسرائیل کے ٹینک کمانڈر غازہ میں بھٹک سے گئے ہیں. اور کس گلی میں جائیں اور کس میں انٹری کرنے سے بچیں؟ غازہ میں اس وقت گوریلا یدھ بہت تیز چل رہا ہے.